और सेक्शन 191 में बेसिकली हमने देखा था कि गिविंग फॉल्स एविडेंस का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गिविंग फॉल्स एविडेंस, ये हमने कवर किया था। अब आज हम शुरू करते हैं सेक्शन 192। ये सेक्शन 192 को आप अगर देखोगे तो सेक्शन 192 के फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस, और इसके पहले जो सेक्शन देखा सेक्शन 191 वो था गिविंग फॉल्स एविडेंस। इन दोनों में फर्क क्या है? एक तरफ फॉल्स एविडेंस देने की बात कर रहे हैं, एक तरफ फॉल्स एविडेंस फैब्रिकेट करने की बात कर रहे हैं। देखिए, गिविंग का मतलब होता है झूठे एविडेंस देना, टू गिव फॉल्स एविडेंस, और फैब्रिकेट का मतलब होता है कि झूठे एविडेंस बनाना, यानी कि झूठे एविडेंस गढ़ना, उनको बनाना, फैब्रिकेट करना। तो इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं पहले सेक्शन 192 के, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। इंग्रेडिएंट्स को आप देखो अगर, तो इसमें लिखा है कॉजिंग एनी सर्कमस्टेंसेस टू एग्जिस्ट और मेकिंग एनी फॉल्स एंट्री इन एनी बुक और रिकॉर्ड और एनी डॉक्यूमेंट कंटेनिंग अ फॉल्स स्टेटमेंट, यानी कि कोई ऐसी परिस्थितियां जो एक्चुअल में थी नहीं, आप उन्हें बना रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, किसी बुक या किसी रिकॉर्ड में फॉल्स एंट्री कर रहे हो, किसी डॉक्यूमेंट के अंदर फॉल्स स्टेटमेंट लिख रहे हो। डूइंग वन ऑफ द अबव एक्ट्स विद द इंटेंशन दैट इट मे अपियर इन एविडेंस इन अ जुडिशियल प्रोसीडिंग और इन अ प्रोसीडिंग टेकन बाय लॉ बिफोर अ पब्लिक सर्वेंट और एन आर्बिट्रेटर। ये जो ऊपर लिखी हुई तीन चीजें थी, कौन कौन सी तीन चीजें? या तो कोई सर्कमस्टेंसेस जो एग्जिस्ट नहीं करते हैं उनको एग्जिस्ट करवाना, किसी बुक या किसी रिकॉर्ड में फॉल्स एंट्री करना, किसी डॉक्यूमेंट के अंदर फॉल्स स्टेटमेंट लिखवाना। इनमें से कोई भी काम आप क्यों कर रहे हो? आप इस इंटेंशन से कर रहे हो कि वो जो चीज आप कर रहे हो, अगर आप सर्कमस्टेंस क्रिएट कर रहे हो तो वो, बुक में फॉल्स एंट्री कर रहे हो तो वो, फॉल्स स्टेटमेंट दे रहे हो डॉक्यूमेंट में तो वो, किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग में एज अ एविडेंस यूज किए जाएंगे, या फिर किसी पब्लिक सर्वेंट के द्वारा अगर प्रोसीडिंग ली जाती है तो उस प्रोसीडिंग में वो यूज किए जाएंगे, या फिर किसी आर्बिट्रेटर के सामने एज एन एविडेंस वो यूज किए जाएंगे। आप ये तीनों चीजें इस इंटेंशन से करोगे, मतलब इंग्रेडिएंट के अंदर इंटेंशन भी मैटर करता है। वो जो तीन एक्ट आपने किए, उन तीनों में से कोई भी एक्ट आपने किया तो ये इंटेंशन होना आपका जरूरी है। नेक्स्ट, डूइंग सच एक्ट विद द इंटेंशन दैट इट मे कॉज एनी पर्सन हु इन सच प्रोसीडिंग इज टू फॉर्म एन ओपिनियन अपॉन द एविडेंस टू एंटरटेन एन एरोनियस ओपिनियन टचिंग एनी पॉइंट मटेरियल टू द रिजल्ट ऑफ सच प्रोसीडिंग। और देखिए, सिर्फ ये भी काफी नहीं है कि आपने इन तीनों में से कोई एक्ट किया, आपने वो एक्ट इंटेंशनली किया, एक और चीज यहाँ पे जरूरी है कि उस एक्ट को करने के पीछे जो आपका इंटेंशन था, उस इंटेंशन से किसी पर्सन को फायदा पहुंचाना था। कोई पर्सन जो उस प्रोसीडिंग में, जिसके खिलाफ या जिसके बिहाफ पे ओपिनियन बनाना है, आपने ये एविडेंस झूठे क्रिएट करके सिर्फ इस पर्पस से दिए कि जिस पर्सन को उस प्रोसीडिंग में प्रोसिक्यूट किया जा रहा है वो और फंस जाए, या उसके खिलाफ कोर्ट कोई गलत ओपिनियन बना ले, यानी कि कोर्ट उसको सजा ही दे दे या तो, या उसको बरी ही कर दे, दोनों ही चीजें हो सकती है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो बेसिकली तीन इंग्रेडिएंट यहाँ पे निकल के आते हैं। अगर अपन सेक्शन 192 के बेयर रीडिंग पे करेंगे तो हमें वो तीनों इंग्रेडिएंट उसमें दिखाई देंगे। ये तीन एक्ट करना इस इंटेंशन से करना कि जो आप कर रहे हो वो चीज एविडेंस में यूज की जाएगी, किसी पब्लिक सर्वेंट के सामने की जाएगी या फिर किसी आर्बिट्रेटर के सामने की जाएगी, और इंटेंशन आपका वहां पे ये था कि जो पर्सन उस प्रोसीडिंग में है, आप उस पर्सन के लिए कोई इरोनियस ओपिनियन बनवाना चाहते हो कोर्ट के अंदर, इसलिए ऐसा झूठा एविडेंस आप क्रिएट कर रहे हो, ऐसा फॉल्स एविडेंस आप वहां पे फैब्रिकेट कर रहे हो। तो ये तीन इंग्रेडिएंट यहाँ पे बेसिक से थे। उसके बाद यहाँ पे कुछ केस लॉ मैंने लिखे। इट इज नॉट एसेंशियल दैट देयर शुड बी एनी जुडिशियल प्रोसीडिंग पेंडिंग एट द टाइम ऑफ फैब्रिकेशन, इट इज इनफ दैट देयर इज अ रीजनेबल प्रोस्पेक्ट ऑफ सच अ प्रोसीडिंग हैविंग रिगार्ड टू द सर्कमस्टेंस ऑफ द केस एंड दैट द डॉक्यूमेंट इन क्वेश्चन इज इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन सच अ प्रोसीडिंग। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि अगर आप सेक्शन 192 में ऑफेंस कर रहे हो, फॉल्स एविडेंस फैब्रिकेट कर रहे हो, तो कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग वहां पर पेंडिंग होना चाहिए, क्योंकि आपने क्या किया था यहाँ पे, जो फॉल्स एविडेंस क्रिएट किए थे, मैंने बताया था आप इस इंटेंशन से करते हो कि आप उसको किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग में एज एन एविडेंस अपियर करवाओगे या फिर वो होगा। तो ये जरूरी नहीं है कि जब आपने फॉल्स एविडेंस फैब्रिकेट किए तब कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग ऑलरेडी पेंडिंग हो। अगर रीजनेबल प्रोस्पेक्ट भी होता है कि ऐसी प्रोसीडिंग होने वाली है, तो उसको भी आप फॉल्स एविडेंस फैब्रिकेट करना बोलोगे।
उसके बाद द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शंस आर नॉट कन्फाइंड टू फॉल्स एविडेंस टू बी यूज्ड इन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स बट टू एनी प्रोसीडिंग बिफोर अ पब्लिक सर्वेंट. ये तो ऑलरेडी सेक्शन के अंदर लिखा था कि यहाँ पे जो फॉल्स एविडेंस देने का प्रोविजन है, फॉल्स एविडेंस फैब्रिकेट करने की बात है, वो सिर्फ जुडिशियल प्रोसीडिंग की बात नहीं है, वो किसी भी प्रोसीडिंग की बात है जो कि पब्लिक सर्वेंट के सामने होगा. ठीक है, तो ये सेक्शन 192 की कुछ बेसिक सी चीजें हो गई, फॉल्स एविडेंस फैब्रिकेट करने की बात हो गई. यहाँ पे अगर कुछ इलस्ट्रेशन देखें तो देखो सिंपल सिंपल से इलस्ट्रेशन है कि एक ए नाम का व्यक्ति था, उसने जेड नाम के व्यक्ति के बॉक्स के अंदर कुछ आभूषण रख दिए, कुछ ज्वेल्स रख दिए. ए नाम का व्यक्ति है, जेड नाम के व्यक्ति के बॉक्स में, बॉक्स जो है वो जेड का है, और ए ने जेड के बॉक्स में ज्वेल्स रख दिए. इस इंटेंशन से रखे कि जब कभी कोई पुलिस वाला या कोई भी व्यक्ति जेड को पकड़ेगा और उसका बॉक्स चेक करेगा तो उस बॉक्स के अंदर ये ज्वेल्स उसको मिलेंगे पुलिस वाले को, और पुलिस वाले को लगेगा कि जेड ने तो चोरी करी. ए ने जेड के बॉक्स में ज्वेल्स रख दिए थे इस इंटेंशन से कि जेड जब भी पकड़ाएगा तो कॉन्विक्ट हो जाएगा वो इस चीज का, सर्कमस्टेंसेस से ये मालूम पड़ेगा कि उसने चोरी करी है. तो यहाँ पे ए ने जो जेड के बॉक्स में ज्वेल्स डाले हैं, कहा जाएगा कि उसने फॉल्स एविडेंस फैब्रिकेट किए, क्योंकि देखो पहली चीज तो ये कि उसने सर्कमस्टेंस एग्जिस्ट करवाए, दूसरी चीज इस इंटेंशन से करवाए कि कल को जुडिशियल प्रोसीडिंग अगर होगी तो वहां पे तो यही दिखेगा ना कि जेड के बॉक्स में से वो ज्वेल्स निकले थे, और तीसरा इंटेंशन यही था कि जेड के खिलाफ एक गलत ओपिनियन बन जाएगा कोर्ट के अंदर कि वो चोर है. तो तीनों इंग्रेडिएंट हैं, इसलिए फॉल्स एविडेंस फैब्रिकेट किया है. मान लो मेरी कोई दुकान है, वहां पे जो मेरी दुकान की जो लिस्ट होती है जिसमें मैं सब कस्टमर्स वगैरह की एंट्री करता हूँ, मैंने उसमें किसी एक कस्टमर की एंट्री फॉल्स तरीके से कर दी, मुझे पता था कि कल को वो कोर्ट में यूज होगा एविडेंस मेरे खिलाफ किसी भी केस में या मेरे फेवर में किसी केस में, तो मैं ये फॉल्स एंट्री वहां पर दिखा दूंगा. अब चूंकि मैं फॉल्स एंट्री कर रहा हूँ इस इंटेंशन से कर रहा हूँ कि मैं उसको कोर्ट में यूज करूंगा, और ये भी मेरा उससे एक पर्पस है कि किसी के खिलाफ गलत ओपिनियन बनेगा, इरोनियस ओपिनियन बनेगा, तो मैंने भी यहाँ पे फॉल्स एविडेंस फैब्रिकेट कर दिया. सिंपल सा चीज था. अब बात करते हैं पनिशमेंट फॉर फॉल्स एविडेंस की, सेक्शन 193, पनिशमेंट फॉर फॉल्स एविडेंस. देखो सिंपल सी चीज है, यहां पे सेक्शन 191 और 192 हमने देखा था, उन दोनों में हमने एविडेंस की बात की थी, एक के अंदर फॉल्स एविडेंस देना था, एक के अंदर फॉल्स एविडेंस फैब्रिकेट करना था. सेक्शन 191 वाज गिविंग फॉल्स एविडेंस, सेक्शन 192 वाज फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस. उन दोनों की ही पनिशमेंट सेक्शन 193 में प्रोवाइड की है. द पनिशमेंट फॉर बोथ दीस सेक्शन, बोथ सेक्शंस आर प्रोवाइडेड इन सेक्शन 193. द फर्स्ट पैराग्राफ applies only to cases in which false evidence is given in a judicial proceeding and the second to all other cases. See, there is a bifurcation in this section. Bifurcation बड़ा simple है कि जो false evidence आप दे रहे हो या fabricate कर रहे हो, ठीक है, देखो इसमें देना और fabricate करना दोनों की punishment है, इसलिए दोनों की बात करेंगे. जो false evidence आप दे रहे हो या आप fabricate कर रहे हो, आप कहाँ पे कर रहे हो, कहाँ देने के purpose से कर रहे हो, आप उसको किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग में देने के पर्पस से कर रहे हो या फिर आप उसको जुडिशियल प्रोसीडिंग के अलावा किसी दूसरे केस में देने के लिए कर रहे हो, जैसे कि आर्बिट्रेटर के सामने के लिए कर रहे हो, किसी पब्लिक सर्वेंट के सामने के लिए कर रहे हो, आप कहां के लिए कर रहे हो, दैट इज द बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन. ठीक है, तो पहला वाला जो पैराग्राफ है इस सेक्शन का वो जुडिशियल प्रोसीडिंग की बात करता है, और जो दूसरा वाला पैराग्राफ है वो बचे हुए केसेस की बात करता है. इंटेंशन इज द एसेंशियल इंग्रेडिएंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस ऑफेंस. ये दोनों ही ऑफेंसेस 191-192 में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इंटेंशन. द ऑफेंस, ये जो ऑफेंस हम देख रहे हैं 191-192, द जिस्ट ऑफ दिस ऑफेंस इज द गिविंग और फैब्रिकेशन ऑफ फॉल्स एविडेंस इंटेंशनली. यानी कि आप जो एविडेंस दे रहे हो, चाहे आप झूठा एविडेंस दे रहे हो, आप झूठा एविडेंस फैब्रिकेट कर रहे हो, वॉट इज मोर इंपॉर्टेंट इज दैट यू आर डूइंग इट इंटेंशनली. इंटेंशनली करने का मतलब आप अपनी इच्छा से कर रहे हो, आप किसी मोटिव को लेके कर रहे हो, आप अपने दिमाग में उसका कोई इंटेंशन लेके बैठे हो कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, आपका वो इंटेंशन वहां पे. वेयर नॉलेज ऑफ फॉल्सिटी इज प्रूव्ड, इंटेंशन इज रेडिली प्रिज्यूम्ड. बड़ी सिंपल सी बात है, आपने किसी केस में एविडेंस दिया, सबूत दिए, कोई सर्कमस्टेंस एग्जिस्ट करवाया, या फिर कोई रिकॉर्ड में एंट्री करी, या कोई डॉक्यूमेंट में स्टेटमेंट दिया, पता चल गया कोर्ट को कि वो जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है,
जहां ये नॉलेज आया कि आपने फॉल्स स्टेटमेंट दिया, वहीं से आपका इंटेंशन प्रिज्यूम कर लिया जाता है कि अच्छा आपने अगर फॉल्स एविडेंस दिया है मतलब आपका यहाँ पे इंटेंशन था फॉल्स एविडेंस देने का, फिर आप साबित करो कि इंटेंशन नहीं था आपका, ठीक है। उसके बाद द रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 161 इटसेल्फ इज अ जुडिशियल प्रोसीडिंग इन व्यू ऑफ एक्सप्लेनेशन 2 ऑफ सेक्शन 193 इन सो फार एज रिकॉर्डिंग ऑफ द स्टेटमेंट इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टेड बाय लॉ preliminary to a proceeding before a court of justice and therefore it is a stage of judicial proceeding. Section 161 of CRPC की बात चल रही है यहाँ पे। आप section 161 of CRPC देखेंगे तो वहाँ पे पुलिस वाले आपसे पूछताछ करते हैं, आपके statements record करते हैं। ये होता है कि पुलिस वाले investigation के वक्त आपके statement के record करते हैं and this stage is a part of investigation which is directed by law preliminary to a proceeding before a court of justice. Court of justice के सामने proceeding जाएगी, उसके पहले पुलिस वाले ये सेक्शन 161 के स्टेटमेंट आपके रिकॉर्ड कर लेते, तो उसको एक स्टेज ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग ही कंसीडर किया जाता है। तो अगर वहां पे फॉल्स एविडेंस दोगे या फिर वहां पे आप कोई फॉल्स एविडेंस फैब्रिकेट करोगे तो उसको भी जुडिशियल प्रोसीडिंग में ही कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। फिर देखो एक केस लॉ बताता हूं मैं आपको यहाँ पे। विटनेस मेड फॉल्स स्टेटमेंट बिफोर अ कॉम्पिटेंट कोर्ट एंड द अक्यूज्ड वर कॉन्विक्टेड। किसी विटनेस ने फॉल्स स्टेटमेंट दिया कोर्ट के सामने और उसके फॉल्स स्टेटमेंट के कारण अक्यूज्ड जो था वो कॉन्विक्ट हो गया, अक्यूज्ड कॉन्विक्ट हो गया। द अपीलेंट कोर्ट दैट इज द सेशन कोर्ट, हम अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात कर रहे थे, अब हमने इसकी अपील करी कहां पे, सेशन कोर्ट में करी। हेल्ड दैट द विटनेस हैड गिवन फॉल्स स्टेटमेंट एंड डायरेक्टेड दैट अ नोटिस बी इशूड टू हिम टू शो कॉज वाई अ कंप्लेंट अंडर सेक्शन 193 ऑफ आईपीसी बी नॉट फाइल अगेंस्ट हिम। जब सेशन कोर्ट में यानी कि अपीलेट कोर्ट में यह मामला गया तो अपीलेट कोर्ट ने भी यह माना कि विटनेस ने फॉल्स स्टेटमेंट दिया था और विटनेस को एक नोटिस इशू करो, शो कॉज नोटिस इशू करो कि हम उसके खिलाफ सेक्शन 193 की कंप्लेंट क्यों नहीं फाइल कर दे। सेक्शन 193 की कंप्लेंट का मतलब होता है पनिशमेंट फॉर फॉल्स एविडेंस, तूने फॉल्स एविडेंस दिया था तो हम तेरे खिलाफ कंप्लेंट करना चाहते हैं, क्योंकि ये एक 193 को आप देखोगे तो ये एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ठीक है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यहाँ पे खुद से पुलिस जो है वो कॉग्निजेंस नहीं लेती, मजिस्ट्रेट के कहने पे, मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पे लेती है। तो यहाँ पे शो कॉज नोटिस उसको इशू कर दिया कि बता भाई तेरे ऊपर 193 की कार्रवाई क्यों नहीं करे, तूने छोटे स्टेटमेंट दिए हैं। द नोटिस वॉज इशूड एंड आफ्टर हियरिंग हिम द कोर्ट डायरेक्टेड दैट द कंप्लेंट बी फाइल्ड। नोटिस इशू हो गया, उस पर्सन को मिल गया, उस पर्सन ने आके कोर्ट को कह दिया कि देखो भैया मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया था, ये वो जो भी उसको बोलना था। फाइनली कोर्ट ने यानी कि अपीलेट कोर्ट ने, सेशन कोर्ट ने डिसीजन लिया कि उसकी कंप्लेंट फाइल कर दी जाए सेक्शन 193 के अंदर। मामला गया हाई कोर्ट तक। द हाई कोर्ट फाउंड दैट द नोटिस इशूड टू हिम वाज नो नोटिस बिकॉज इट डिड नॉट स्पेसिफाई द पोर्शन दैट वर फाउंड टू बी फॉल्स। बिसाइड द स्टेटमेंट वर रिकॉर्डेड 10 इयर्स अगो, द कोर्ट हेल्ड दैट इट वाज नॉट प्रॉपर टू फाइल अ कंप्लेंट एट दैट स्टेज। द कोर्ट सेट असाइड द ऑर्डर ऑफ द सेशन जज। हाई कोर्ट ने उस ऑर्डर को सिर्फ इस ग्राउंड पे सेट असाइड कर दिया कि जो अपीलेट कोर्ट ने नोटिस सर्व किया था शो कॉज नोटिस, उस नोटिस के अंदर कहीं भी ये पोर्शन स्पेसिफाई नहीं किया गया था कि कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। आप नोटिस भेज रहे हो किसी को शो कॉज कि तूने झूठा स्टेटमेंट दिया, तो आप बताओ ना कि झूठा स्टेटमेंट क्या है, आपने झूठा स्टेटमेंट बताया ही नहीं क्या है। और दूसरी चीज कि वो जो झूठा स्टेटमेंट था वो 10 साल पहले रिकॉर्ड किया था, 10 साल पहले का स्टेटमेंट को आज आप उठा रहे हो एकदम से। तो हाईकोर्ट ने यह माना कि इस स्टेज पे कंप्लेंट फाइल करना प्रॉपर नहीं है, 10 साल बाद कंप्लेंट फाइल करना प्रॉपर नहीं है, और हाईकोर्ट ने उस ऑर्डर को, सेशन जज के ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया, यानी कि कंप्लेंट सेक्शन 193 आईपीसी की फाइल नहीं होने दी। जगदीश प्रसाद सिंगल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस है। अब ये केस मैंने आपको यहाँ पे क्यों बताया, इस केस से कहीं ना कहीं आप ये कंक्लूजन निकाल सकते हो कि जो एक तो कंप्लेंट है वो प्रॉपर टाइम पे फाइल हो जाना चाहिए, दूसरी चीज अगर कोर्ट शो कॉज नोटिस इशू करती भी है उस कंप्लेंट के बिहाफ पे कि हम तुम पे कंप्लेंट करना चाहते हैं, तो उस कोर्ट को शो कॉज नोटिस में एटलीस्ट ये सारी चीजें बताना चाहिए, ये पोर्शन स्पेसिफाई करना चाहिए। इट शुड स्पेसिफाई द पोर्शन विच वर फाउंड रॉन्ग, विच वर फाउंड फॉल्स। ये दो चीजें जरूर यहां से हम इस केस से सीख सकते हैं। अभी पनिशमेंट की बात करते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि बाइफर्केशन है कि फॉल्स एविडेंस आप अगर जुडिशियल प्रोसीडिंग में दे रहे हो तो वो एक अलग चीज है, और अदर प्रोसीडिंग में दे रहे हो तो वो एक अलग चीज है। तो अगर जुडिशियल प्रोसीडिंग में आप दे रहे हो तो इम्प्रिजनमेंट जो है वो 7 साल तक का है और फाइन भी है, और अगर अदर प्रोसीडिंग में दे रहे हो तो इम्प्रिजनमेंट 3 साल तक का है और फाइन भी है। यानी 7 साल और 3 साल इनका डिफरेंस है। जुडिशियल प्रोसीडिंग में करोगे, कोर्ट में करोगे, 7 साल के लिए अंदर जाओगे, और दूसरे केसेस में जाओगे तो 3 साल के। एक और चीज, जो कोर्ट मार्शल के सामने ट्रायल होता है उस कोर्ट मार्शल के सामने के ट्रायल को जुडिशियल प्रोसीडिंग कंसीडर किया जाता है, ठीक है। और कोर्ट
में मामला आने के पहले अगर कोई प्रिलिमिनरी चीजें होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया सेक्शन 161 ऑफ सीआरपीसी जो कि पुलिस आपके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है, वो भले ही इन्वेस्टिगेशन के कंप्लीट होने के पहले की चीजें हो, चाहे भले वो कोर्ट में आने के पहले की चीजें हो, बट उसको भी स्टेज ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग कंसिडर किया जाता है। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 में ये चीज लिखी हुई है। और तीसरी चीज, कई बार इन्वेस्टिगेशन जो है वो कोर्ट के ऑर्डर पे होता है, मामला कोर्ट पहुंच चुका है, अब कोर्ट ने अकॉर्डिंग टू लॉ अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने का बोल दिया है, और वो इन्वेस्टिगेशन कोर्ट ने किसी व्यक्ति से करवाया, चाहे वो पुलिस से करवाया हो चाहे किसी और से करवाया हो, तो याद रखना कि अगर कोर्ट ऑफ जस्टिस के ऑर्डर पे कोई इन्वेस्टिगेशन अगर किया जाता है तो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग, दैट इज ऑल्सो अ स्टेज ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग। ठीक है, चाहे भले ही वो इन्वेस्टिगेशन कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने ना हुआ हो, बट चूंकि उसके ऑर्डर पे हुआ है, उसकी डायरेक्शन पे हुआ है, तो उसको भी स्टेज ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग कंसिडर किया जाएगा। तो ये तीन एक्सप्लेनेशन इस सेक्शन के अंदर है, तीनों याद रखना। कोर्ट मार्शल को जुडिशियल प्रोसीडिंग माना जाता है, जो कोर्ट ऑफ जस्टिस में मामला आने के पहले प्रिलिमिनरी स्टेजेस होती है जो अकॉर्डिंग टू लॉ होती है, उसे भी स्टेज ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग कहा जाता है। और तीसरी चीज की अगर कोर्ट ऑफ जस्टिस के डायरेक्शन पे कोई इन्वेस्टिगेशन किया जाता है तो उसको भी स्टेज ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग माना जाता है। चलिए, ये सेक्शन 193 यानी कि पनिशमेंट फॉर फॉल्स एविडेंस भी हमने देख लिया। मूव करते हैं सेक्शन 194 पे। अब फटाफट सेक्शन कवर करते जाएंगे छोटे छोटे ऑफेंसेस। सेक्शन 194 को आप देखो, गिविंग और फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस विद इंटेंट टू प्रोक्योर कन्विक्शन ऑफ कैपिटल ऑफेंस। अब देखो, अब मुद्दा हमारा ये नहीं यहाँ पे कि फॉल्स एविडेंस देना क्या होता है, फॉल्स एविडेंस फैब्रिकेट करना क्या होता है, ये तो ऑलरेडी आपको आ चुका है। अब बस मैं इतना बता रहा हूँ कि यहाँ पे आप सेक्शन 194 आप पे अप्लाई कब होगा। सेक्शन 194 आप पे एप्लीकेबल तब होगा जब आपने किसी केस में फॉल्स एविडेंस दिया या फॉल्स एविडेंस फैब्रिकेट किया, और इस इंटेंशन से किया कि वहां पे जो एक्यूज्ड है उसको फांसी की सजा हो जाए। अब आप देखेंगे कि किसी को फांसी की सजा करवाना, और एक तो पहली चीज तो ये कि किसी को फांसी की सजा हो जाना ऑलरेडी बहुत बड़ी बात होती है, और दूसरा ये कि अगर आपके फॉल्स एविडेंस के कारण वो हो जाए या आपके फॉल्स एविडेंस फैब्रिकेट करने के कारण वो हो जाए तो बहुत ही बड़ी बात होती है। सो दिस इज एन एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ द ऑफेंस ऑफ गिविंग फॉल्स एविडेंस दैट इज मेड पनिशेबल बाय सेक्शन 193। To constitute an offence under this section, the accused must give false evidence intending thereby to cause some person to be convicted of a capital offence. अब क्योंकि उसको capital offence मिला है आपके चक्कर में, तो अगर आपने किसी व्यक्ति के खिलाफ false evidence दिया या fabricate किया और आपका intention वहां पे ये था या आप जानते थे कि आपके evidence के कारण उसको फांसी की सजा हो सकती है, उसको capital punishment हो सकता है, ठीक है, अगर आपने ये किया विद इंटेंट टू कॉन्विक्ट अ पर्सन ऑफ कैपिटल ऑफेंस इन इंडिया, यानी कि इंडिया में अगर उसको कैपिटल ऑफेंस हो सकता है, देखो ये चीज याद रखना, ये चीज सिर्फ इंडिया में एप्लीकेबल है, कैपिटल ऑफेंस सिर्फ इंडिया में उसके लिए आप एप्लीकेबल मान रहे हो कि उसको कैपिटल ऑफेंस इंडिया में हो सकता है ना, तो अगर ऐसा आपने किया कि इंडिया के किसी लॉ के अकॉर्डिंग उसको कैपिटल पनिशमेंट मिल सकता है उस केस के अंदर, तो आपको वहां पर मिलेगा लाइफ इंप्रिजनमेंट या फिर रिगरस इंप्रिजनमेंट जो कि 10 साल तक का हो सकता है, और दोनों के साथ फाइन लगाया जाएगा। यानी लाइफ इंप्रिजनमेंट अगर लगाएंगे तो भी फाइन लगाएंगे, 10 साल का रिगरस इंप्रिजनमेंट लगाएंगे तो भी फाइन लगाएंगे, है ना। तो ये तो आपका देखो सिर्फ इंटेंशन था अभी कि आप उसको कैपिटल ऑफेंस में फंसवाना चाहते हो, आप उसको कैपिटल ऑफेंस की पनिशमेंट दिलवाना चाहते हो, सिर्फ इंटेंशन के बिहाफ पे आपको लाइफ इंप्रिजनमेंट मिल रहा है, लेकिन अगर गलती से भी आपके उस फॉल्स स्टेटमेंट के कारण या आपके उस फॉल्स एविडेंस के कारण वो इनोसेंट पर्सन कॉन्विक्ट हो गया और एग्जीक्यूट कर दिया गया उसको, उसको फांसी पे चढ़ा दिया गया, तो आपको भी फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। डेथ, लाइफ इंप्रिजनमेंट, रिग्रेस इंप्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 10 years प्लस फाइन, यानी आप देखिए डेथ सेंटेंस यहाँ पे ऐड हो गया आपके लिए, क्योंकि आपके कारण किसी इनोसेंट पर्सन को फांसी की सजा हुई है, तो हक बनता है आपका भी कि आप भी फांसी की सजा पाओ, ठीक है। तो ये सेक्शन 194 था, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल है, आपको इसमें बेल भी एज अ मैटर ऑफ राइट नहीं मिलती है। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके फॉल्स एविडेंस के कारण किसी को फांसी की सजा होती है किसी इनोसेंट पर्सन को, तो आपको भी वहां पे डेथ सेंटेंस मिल सकता है। सेक्शन 195 की बात करते हैं, गिविंग और फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस विद इंटेंट टू प्रोक्योर कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इंप्रिजनमेंट। ये सेक्शन इसके पिछले सेक्शन के पूरा सिमिलर है, सेक्शन 194 के जैसा है, बस फर्क इतना सा है कि सेक्शन 194 में आपने झूठे एविडेंस दिए और फैब्रिकेट किए किसी को कैपिटल ऑफेंस के लिए पनिश करवाने के लिए, बट इस सेक्शन में आप किसी को कैपिटल ऑफेंस के अलावा किसी दूसरी पनिशमेंट के लिए झूठे एविडेंस दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट के लिए या फिर आप उसको इंप्रिजनमेंट के लिए दे रहे हो। ऊपर वाले सेक्शन में सिर्फ कैपिटल ऑफेंस पे एप्लीकेबिलिटी थी, बट इसमें उसके अलावा वाले ऑफेंसेस में अगर आप झूठे एविडेंस दोगे तो यहां पे आप सेक्शन 195 में एप्लीकेबल रहोगे। सो दिस सेक्शन इज सिमिलर टू द प्रीसीडिंग सेक्शन एक्सेप्ट एज रिगार्ड टू द ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द पर्जरी इज कमिटेड।
इसको परजुरी कहा जाता है, मैंने आपको उस दिन भी बताया था, झूठे एविडेंस देना, इसको परजुरी कहा जाता है, ठीक है। इट डील्स विद परजुरी ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इंप्रिजनमेंट फॉर अ टर्म ऑफ 7 ईयर्स और अपवर्ड। एक और चीज समझ में, यहां पे इस सेक्शन में लाइफ इंप्रिजनमेंट और इंप्रिजनमेंट फॉर 7 ईयर्स और मोर, 7 या 7 से ज्यादा साल वालों के लिए, मतलब कि ये वाला जो ऑफेंस बता रहा हूं ये भी एक एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ ऑफेंस है, तो ये भी एप्लीकेबल होगा या तो उन ऑफेंसेस पे जिसमें लाइफ इंप्रिजनमेंट मिलेगा सामने वाले को, या फिर 7 या 7 साल से ज्यादा की सजा उसमें आपको मिलेगी। तो इस केस में आपको क्या पनिशमेंट मिलेगी झूठे एविडेंस देने की, सेम एज द पर्सन कॉन्विक्टेड ऑफ दैट ऑफेंस वुड बी लायबल। आपने जिसके लिए झूठा एविडेंस दिया, आपने जिसके लिए झूठा एविडेंस फैब्रिकेट किया, जितनी सजा उसको मिली कॉन्विक्ट होने पे, उतनी ही सजा आपको मिलेगी। आपके लिए स्पेशल कोई सजा नहीं बताई है, जितनी उसको मिल रही है उतनी आपको मिलेगी, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल दिखाता हूं आपको, सपोज करो कि मैंने किसी व्यक्ति के खिलाफ झूठा एविडेंस दिया ताकि वो डकैती के केस में फंस जाए, उसको डकैती की सजा हो जाए। अब डकैती जो होती है, एक्चुअल में डकैती की सजा जो अपने आईपीसी में दी है वो है लाइफ इंप्रिजनमेंट। मैंने उस व्यक्ति के खिलाफ झूठा एविडेंस दिया कोर्ट ऑफ जस्टिस में ताकि वो डकैती के केस में फंस जाए, कोर्ट उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा दे दे, या तो उसमें लाइफ इंप्रिजनमेंट है या फिर उसमें रिग्रेस इंप्रिजनमेंट है जो कि 10 साल तक का हो सकता है डकैती के अंदर। तो मैंने उसको झूठा एविडेंस देके फंसाने की कोशिश की है, इसलिए मुझे भी कितनी सजा मिलेगी, या तो लाइफ इंप्रिजनमेंट या फिर 10 साल तक का रिग्रेस इंप्रिजनमेंट या फिर फाइन। मतलब कि डकैती के केस में जो सजा होती है, जिस केस में फंसाने के लिए मैं उसको झूठा एविडेंस दे रहा हूं, उस केस में, उस ऑफेंस में जो सजा होती है वो सजा मुझे मिल सकती है, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। अब देखो, लाइफ इंप्रिजनमेंट का मामला हो या 7 साल या 7 साल से ज्यादा की सजा का मामला हो, तो सेक्शन 195 एप्लीकेबल होता है झूठे एविडेंस देने पे। कैपिटल ऑफेंस का है तो 194 होता है, और अगर नॉर्मल है तो 193 में आप काम करो, ठीक है। चलिए 195A की बात करते हैं, थ्रेटनिंग एनी पर्सन टू गिव फॉल्स एविडेंस। देखिए, ये सेक्शन इंसर्ट किया 2006 में। जरूरी नहीं है यार कि कोई व्यक्ति जो किसी को फंसाना चाहता हो, किसी व्यक्ति को अंदर करवाना चाहता हो, वो खुद ही फॉल्स एविडेंस जाके दे। कई बार हम किसी को धमकी भी दे सकते हैं फॉल्स एविडेंस देने के लिए। तो 2006 में सेक्शन 195A वाज इंसर्टेड, थ्रेटनिंग अनदर पर्सन विथ एन इंजुरी टू हिज पर्सन रेप्यूटेशन और प्रॉपर्टी और टू अ पर्सन और रेप्यूटेशन ऑफ एनीवन इन होम दैट पर्सन इज इंटरेस्टेड विथ इंटेंट टू कॉज दैट पर्सन टू गिव फॉल्स एविडेंस। अब देखिए, फर्क सिर्फ इतना सा है कि इस केस में हम खुद फॉल्स एविडेंस नहीं दे रहे हैं या फॉल्स एविडेंस फैब्रिकेट नहीं कर रहे हैं, हम किसी से करवा रहे हैं, किसी और पर्सन से करवा रहे हैं, और हम जिस और पर्सन से करवा रहे हैं उसके लिए हमने उसको धमकी दी है, या तो हमने उसकी जान को खतरा बताया, या उसकी रेपुटेशन बिगाड़ने की बात कर रहे हैं, या उसकी प्रॉपर्टी छीनने की बात कर रहे हैं, या उसके किसी चाहने वाले व्यक्ति को हम हर्ट कर देंगे, उसकी रेपुटेशन खराब कर देंगे, ऐसी हम उसको धमकी दे रहे हैं, ऐसी चीज के लिए हम उसको सता रहे हैं, धमका रहे हैं। और हमारा धमकाने का इंटेंशन सिर्फ इतना सा है कि हम जो फॉल्स एविडेंस देने के लिए उसको फोर्स कर रहे हैं, वो उस फॉल्स एविडेंस को देने के लिए हाँ कह दे, तो ये कहलाएगा सेक्शन 195A का ऑफेंस। इसमें हमें जो है वो 7 साल तक का इंप्रिजनमेंट, फाइन या दोनों मिल सकता है। और अगर हमने उस व्यक्ति को थ्रेट किया, हमने उस व्यक्ति को धमकी दी, और उस व्यक्ति ने हमारी धमकी के कारण फॉल्स एविडेंस दे दिया, इसे मैंने आपको धमकाया कि फॉल्स एविडेंस दो वरना जान से मार दूंगा, तो मैंने तो सेक्शन 195A में ऑफेंस कर दिया। आपने मेरी धमकी के कारण फॉल्स एविडेंस दे दिया, तो आप जब मेरी धमकी से फॉल्स एविडेंस देने गए, उस फॉल्स एविडेंस के कारण इनोसेंट पर्सन कॉन्विक्ट हो गया और उसको वहां पर डेथ सेंटेंस या फिर इंप्रिजनमेंट फॉर 7 साल या 7 साल से ज्यादा मिल गया। मैंने आपको धमकाया फॉल्स एविडेंस देने के लिए, आपने जाके फॉल्स एविडेंस दे दिया, आपने जाके जो फॉल्स एविडेंस दिया उस फॉल्स एविडेंस के कारण एक इनोसेंट पर्सन को डेथ सेंटेंस मिल गया या फिर उसको 7 साल से ज्यादा का इंप्रिजनमेंट मिल गया। मतलब या तो डेथ सेंटेंस मिल गया या फिर 7 साल से ज्यादा का इंप्रिजनमेंट मिल गया। लाइफ इंप्रिजनमेंट तो ऑलरेडी अज्यूम हो जाएगा इसके अंदर, क्योंकि 7 साल से ज्यादा से लेकर डेथ तक की बात हो रही है, तो मुझे क्या सजा मिलेगी? क्योंकि आप तो चलो मेरी धमकी से गए, आपको तो कुछ भी डिफरेंस मिल जाएगा, पर मेरा क्या होगा? मैंने तो सेक्शन 195A का ऑफेंस किया ना, तो मुझे वो पनिशमेंट मिलेगी जो पनिशमेंट उस इनोसेंट पर्सन को मिली। अगर उसको डेथ मिली तो मुझे भी डेथ मिलेगी, उसको 7 साल का इंप्रिजन मिला मुझे भी 7 का मिलेगा, उसको लाइफ मिला मुझको भी लाइफ मिलेगा। मतलब यहां पे सेम टू सेम सजा मिलेगी। ये सेक्शन 195A था, ये हमने कंप्लीट कर दिया।
196 की बात करते हैं। अच्छा, ये जो ऑफेंस मैंने आपको बताया 195A, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। आप देखेंगे कि हम इस पूरे अभी तक हम इस चैप्टर में जितने भी ऑफेंस देख रहे थे नॉन कॉग्निजेबल है, बट हाँ याद रखो ये 195A बाद में ऐड हुआ, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस। किसी को धमकी अगर आप देते हो फॉल्स एविडेंस देने के लिए तो वहां पे पुलिस आपको बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है जैसे ही कंप्लेन आएगी, कॉग्निजेबल ऑफेंस। और ये चलाया उसी कोर्ट में जाएगा जहां पे फॉल्स एविडेंस दिया गया, ठीक है। चलिए 196 पे आते हैं, यूजिंग एविडेंस नोन टू बी फॉल्स। अच्छा, ये सेक्शन की अलग ही बात है। अभी तक जितने भी सेक्शन देख रहे थे उसमें बस ये बात कर रहे थे कि फॉल्स एविडेंस दे रहे हो, फॉल्स एविडेंस फैब्रिकेट कर रहे हो, किसी को धमकी दे रहे हो करने के लिए, बट यहां पे आप बात कर रहे हो कि एक फॉल्स एविडेंस जिसको आप जानते हो कि वो फॉल्स है, आप उसको यूज कर रहे हो। सो दिस सेक्शन अप्लाइज टू दोज हु मेक द यूज ऑफ सच एविडेंस एज इज मेड पनिशेबल बाय सेक्शन 193, 194 एंड 195। जानते हैं हम कि 193, 194 और 195 में तीन ऑफेंसेस थे जहां पे आप फॉल्स एविडेंस दे रहे थे या किसी से दिलवा रहे थे, जानते हुए कि वो एविडेंस पनिशेबल है, आपने उसको अपने लिए यूज कर लिया, अपने फायदे के लिए यूज कर लिया। इट मस्ट बी रेड विद सेक्शन 191 एंड 192 एंड कैन ओनली अप्लाई टू द एविडेंस विच वॉज फॉल्स एविडेंस विदिन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 191 और फैब्रिकेटेड एविडेंस विदिन द डेफिनेशन इन सेक्शन 192। The person who is using such evidence knowing it to be false shall be punished in the same manner as he gave fabricated false evidence. जो व्यक्ति फॉल्स एविडेंस को यूज करेगा उसको भी वैसे ही सजा दी जाएगी जैसे कि उसने फॉल्स एविडेंस दिया या फेब्रिकेट किया, मतलब 192 और 192 वाला ही ऑफेंस उसका भी कंसिडर किया जाएगा। तो आप करप्टली या किसी ऐसे एविडेंस को जिसको आप जानते हो कि फॉल्स है या फैब्रिकेटेड है उसको जेन्युइन दिखा के अपने केस में यूज मत करना, अपने फायदे के लिए यूज करने की कोशिश मत करना, अदरवाइज आप सेक्शन 196 में ऑफेंस कर रहे हो। चलिए 197 पे आते हैं। 197 की बात करेंगे तो लिखा है इशूइंग और साइनिंग फॉल्स सर्टिफिकेट, इशूइंग और साइनिंग फॉल्स सर्टिफिकेट। अब देखिए सर्टिफिकेट का क्या मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है जो कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आपको इशू करती है या बना के देती है। देर आर सेवरल लॉज दैट रिक्वायर सर्टिफिकेट ऑफ सम मैटर टू बी गिवन। बहुत सारे ऐसे लॉ होते हैं जिसमें कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आपको एक सर्टिफिकेट बना के देती है, आप चाहे इसको उठा लो कास्ट सर्टिफिकेट देख लो, वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वहां पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट बना के देती है। तो ऐसे बहुत सारे लॉ है ना जिसमें आपको किसी मैटर का किसी पर्टिकुलर चीज का सर्टिफिकेट इशू करके दिया जाता है। मैं तो कहता हूं कि अगर कोई इंसान फॉल्स सर्टिफिकेट इशू करता है या फिर सर्टिफिकेट फॉल्स है जानते हुए उस पर साइन करता है तो वो सेक्शन 197 का ऑफेंस कर रहा है। यहाँ पे हुएवर वर्ड यूज किया है, हुएवर इशूज और साइन एनी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड बाय लॉ, ठीक है, दिस सर्टिफिकेट शुड बी रिक्वायर्ड बाय लॉ or relating to any fact of which such certificate is by law admissible in evidence, knowing or believing that such certificate is false in any material point shall be punished in the same manner as if he gave false evidence. ठीक है, कुछ offences जो अभी हम देख रहे हैं 196, 197, 198, 199 और 200, ये जो हम अभी देखेंगे उसके बाद ये समझ लो कि ये जो 196 से लेके 200 तक के offences है, ये है तो अलग अलग offences बट सब में यही माना जाएगा कि सामने वाले व्यक्ति ने खुद फॉल्स एविडेंस दिया। जैसे मैंने आपको 196 में बताया, अगर आप फॉल्स एविडेंस यूज करोगे तो माना जाएगा कि आपने फॉल्स एविडेंस बनाया। अब अगर आप फॉल्स सर्टिफिकेट इशू करोगे तो कहा जाएगा कि आपने फॉल्स एविडेंस दिया। इंग्रेडिएंट देख लो, सबसे पहली चीज तो आपने किसी सर्टिफिकेट को इशू किया या साइन किया, दूसरी चीज दैट सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी गिवन और साइंड और इट इज रिलेटिंग टू अ फैक्ट ऑफ विच सच सर्टिफिकेट इज बाय लॉ एडमिसिबल इन एविडेंस। ये सर्टिफिकेट अकॉर्डिंग टू लॉ रिक्वायर्ड है या फिर ये सर्टिफिकेट किसी ऐसे फैक्ट से रिलेटेड है जो अकॉर्डिंग टू लॉ एडमिसिबल है एविडेंस में। और दूसरी चीज, सच सर्टिफिकेट मस्ट हैव बीन इशूड और साइन नोइंग और बिलीविंग दैट इट इज फॉल्स इन एनी मटेरियल पॉइंट। और आपने वो सर्टिफिकेट साइन किया, आपने वो सर्टिफिकेट इशू किया ये जानते हुए कि उसमें फॉल्स मटेरियल पॉइंट लिखे हैं, उसमें जो पॉइंट्स लिखे हैं वो फॉल्स है। ये एक बहुत एसेंशियल इंग्रेडिएंट है कि सर्टिफिकेट मस्ट बी फॉल्स इन मटेरियल पॉइंट और पनिशमेंट यहां पे आपको वही दी जाएगी जो एक फॉल्स एविडेंस देने के लिए दी जाती है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बिना वारंट के पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं करेगी। चलिए सेक्शन 198 पे आते हैं। यूजिंग एज ट्रू अ सर्टिफिकेट नोन टू बी फॉल्स। अब देखो ये सेक्शन
this section is connected with section 197 just as section 196 is connected with 193, 194 and 195. सिंपल सी बात है. अभी सेक्शन 197 में देखा कि किसी पर्सन ने फॉल्स सर्टिफिकेट इशू किया या फॉल्स सर्टिफिकेट साइन किया. अब 198 में आपने आके वो सर्टिफिकेट यूज कर लिया ये जानते हुए कि वो फॉल्स. तो whoever corruptly uses or attempts to use any such certificate as true certificate, knowing the same to be false. कोई भी व्यक्ति अगर उस सर्टिफिकेट को एज अ ट्रू सर्टिफिकेट यूज करता है ये जानते हुए कि वो फॉल्स है, तो आप भी ऑफेंस कर रहे हो सेक्शन 198 में और आपको भी वैसे ही पनिश किया जाएगा जैसे कि एक फॉल्स एविडेंस देने वाले को किया जाता है. उसके बाद आप आइए सेक्शन 199 पे. फॉल्स स्टेटमेंट मेड इन डिक्लेरेशन विच इज बाय लॉ रिसीवेबल एज एविडेंस. कोई डिक्लेरेशन आपको देना है, डिक्लेरेशन का मतलब होता है कोई घोषणा करना है, और वो जो आप डिक्लेरेशन दोगे दैट डिक्लेरेशन इज रिसीवेबल एज एविडेंस. उस डिक्लेरेशन को एज एन एविडेंस यूज रिसीव किया जा सकता है और आपने उस डिक्लेरेशन के अंदर फॉल्स स्टेटमेंट दे दिए. तो this section makes the penalty attached to the offense of giving false evidence applicable to declaration which although not compellable have or been made the same effect as the compulsory declaration referred to in section 51 and section 191. section 51 or section 191 mein kuch declaration ki baat hui thi jisko hum compulsory declaration kehte hain. jaise for example section 191 mein aapne giving false evidence ki definition padhi thi, uske andar ek cheez likhi thi ki jo bhi vyakti whoever being legally bound by oath or by express provision of law to state the truth or being bound by law to make a declaration makes any statement which he knows to be false is said to give false evidence. usme humne bola tha ki agar law ne aapke upar ye foundation lagayi hai ki aapko jo bhi kehna hai wo sach kehna hai, sach ke siwa kuch nahi kehna hai, usko kehte hai compulsory declaration. ki aapko law ne bola hai ki aap jo declaration doge wo sahi sahi doge. तो ऐसे में अगर आप गलत डिक्लेरेशन देते हो, गलत स्टेटमेंट देते हो, तो आपने ऑफेंस कर दिया सेक्शन 191 का. वहां पे 199 का किया था, बट यहाँ पे क्या बात है, यहाँ पे बात है कि कई बार आपको कोई डिक्लेरेशन दिए जाते हैं, कई बार आपको किसी चीज को डिक्लेयर करने का कहा जाता है, चाहे भले वो कंपेलेबल ना हो, चाहे वो कंपल्सरी डिक्लेरेशन ना हो, बट फिर भी आपने उस डिक्लेरेशन के अंदर कोई सा फॉल्स स्टेटमेंट दे दिया तो उसको भी ऑफेंस माना गया. अच्छा, जो जो डिक्लेरेशन कंपल्सरी है अगर उसमें फॉल्स स्टेटमेंट दोगे तो उसको तो सेक्शन 191 के अंदर पनिशेबल किया जाए. जो कंपलसरी डिक्लेरेशन है, क्योंकि वहां पे बाय लॉ आप बाउंड थे डिक्लेयर करने के लिए, उसको कंपलसरी डिक्लेरेशन कहते हैं. वहां पे झूठा एविडेंस दोगे, फॉल्स एविडेंस दोगे, तो सेक्शन 191 में जाओगे. बट अगर किसी दूसरे डिक्लेरेशन में जो कि कंपेलेबल नहीं, जो कि कंपलसरी नहीं है, बट आपने उसमें भी फॉल्स एविडेंस दिया, तो उसमें भी पेनल्टी आपको मिलेगी, सेक्शन 199 में मिलेगी. तो ये चीज समझना कि जो चीज आप डिक्लेयर कर रहे हो क्या वो अकॉर्डिंग टू लॉ कंपलसरी है. अगर किसी लॉ में उस डिक्लेरेशन को करना कंपलसरी लिखा है और फिर आप गलत करोगे तो 191 में जाओगे. और अगर वो डिक्लेरेशन कंपलसरी नहीं है, यानी कि वो आपको उसमें कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको डिक्लेयर करना ही पड़ेगा, बट चूंकि आप डिक्लेयर कर रहे हो पर गलत कर रहे हो, तो 199 में जाओगे. तो व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स हियर? मेकिंग ऑफ अ डिक्लेरेशन दैट अ कोर्ट और अ पब्लिक सर्वेंट इज बाउंड और ऑथराइज्ड बाय लॉ टू रिसीव इन एविडेंस. यहां पे आप कोई ऐसा डिक्लेरेशन कर रहे हो जिसको एक कोर्ट या एक पब्लिक सर्वेंट एविडेंस में रिसीव करेगा. अच्छा, यहां पे इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि जो आप डिक्लेरेशन दे रहे हो वो कंपलसरी है. यहां पे इंग्रेडिएंट ये है कि जो डिक्लेरेशन आप दे रहे हो उसको कोई कोर्ट या पब्लिक सर्वेंट एज अ एविडेंस, एज एन एविडेंस यूज कर सकता है, करेगा. एंड यू आर मेकिंग अ फॉल्स स्टेटमेंट इन सच डिक्लेरेशन नोइंग और बिलीविंग इट टू बी फॉल्स, और आपने उसके अंदर फॉल्स स्टेटमेंट दे दिया. Such false statement must be touching any point material to the object for which the declaration is made. वो जो false evidence आपने दिया, वो जो false statement आपने दिया, वो false statement उस case में जो declaration आप दे रहे हो, वो कोई material point पर touch करना चाहिए. यानी कुछ object उसके पीछे होना चाहिए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप उस accused को बचाना चाहते हो, छुड़ाना चाहते हो, कुछ होना चाहिए. तो आपको ऐसे ही punish किया जाएगा जैसे कि आपने false evidence दिया है. Automatically आप 191 के अंदर fall कर जाओगे. ठीक है, चलिए ये हो गया. अब आप रिजॉइन कर लो, फिर आगे बताता हूं.